Welcome to my channel Educational Guidance by YGS. So today's my topic is Molecular Orbital Structure of Ethene. Ethene is basically the first member of alkene family. अच्छा alkene group या alkene family की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं जिसमें दो bond मौजूद होते हैं यानी कि double bond containing molecules या compounds. सो डबल बॉन्ड में जब हमारे पास आते हैं पहला मेंबर ही हमारे पास एथीन आता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है C2H4 यानी कि एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती है और बाकी की जो हमारे पास चार हाइड्रोजन है वो हमारे पास एक कार्बन से दो और एक कार्बन से दो जुड़ी हुई होती है. इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल जो है वो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद होता है. फिर अगर हम बात करें थोड़ा सा बॉन्ड एंगल की तो आप देखें कि हमारे पास ये जो बॉन्ड आता है CHCC ये बॉन्ड हमारे पास होता है 122-121 डिग्री का. ओके और जब हम बॉन्ड की बात करते हैं HCH की ये वाला ठीक है तो ये बॉन्ड हमारे पास होता है 118 डिग्री का. तो ये इसके अंदर एंगल होते हैं जो हमारे पास बॉन्ड एंगल कहलाते हैं. अच्छा यहाँ पर क्या है ईच कार्बन ऑफ इथीन इज sp2 हाइब्रिडाइज. sp2 हाइब्रिडाइज मेन चीज हमारे पास क्या चीज आती है ऑर्बिटल जो इसका स्ट्रक्चर है वो जो कि हम आज इस टॉपिक में फोकस करने वाले हैं. देखिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के ऑर्बिट आपस में कैसे जुड़े हैं किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हुई भी है. तो आप यहाँ देखें नॉर्मली तौर पर कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है 1s2 यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 6 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जो है वो दो होते हैं और दूसरे शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और दूसरे शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर आप देखें तो एस ऑर्बिटल में दो और पी ऑर्बिटल में भी दो होते हैं. और पी ऑर्बिटल भी अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी बात करें तो वो होते हैं px, py, pz तीन डायरेक्शंस होती हैं. और ये भी हम आपको बता चुके हैं इससे पहले कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले px में एक जाता है फिर py में एक फिर pz में एक ये तब होता है जब हमारे पास रिएक्शन स्टेट आती है. तो ग्राउंड स्टेट में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की इस तरह होगी लेकिन कार्बन जो है वो क्या करता है इसके सेकेंड शेल में कुछ रीअरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की. वो क्या होती है हमारे पास एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन पी वाई में जाता है और पी एक्स से एक इलेक्ट्रॉन पी जेड में जाता है. ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 यानी दूसरे शेल में ये चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं पेयर की कंडीशन में नहीं होते. और यहाँ पर क्या था कि ये पेयर की कंडीशन में मौजूद हैं दो और दो. तो अब अगर हम यहाँ देखें कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से मौजूद होता है तो भाई देखें ये अगर हमारे पास एक कार्बन है और ये एक कार्बन का जो है वो यूं समझ लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से मौजूद है. अच्छा यहां पर देखिए चूंकि हमें पता है कि ये जो SS सिग्मा बॉन्ड होता है ठीक है यानी कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप हुए हुए होते हैं. प्रीवियसली जो है वो मैं ये वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है वो ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड और पाई बॉन्डिंग हमारे पास जो है वो पैरेलल एक दूसरे से जो है वो क्या होते हैं हाइब्रिडाइज होते हैं. तो अब अगर यहाँ पर बात करें कि अगर ये दो कार्बन है समझे एक कार्बन हमारे पास ये मौजूद है और एक कार्बन हमारे पास ये मौजूद है तो उस हिसाब से एक कार्बन की ये दो हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं. ये हाइड्रोजन एटम है ये भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एटम ये हाइड्रोजन एटम और ये एक जो है वो बेसिकली पीपी ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो ये भी कार्बन कार्बन के दरमियान होता है जो आप लगा लें कि ये हमारे पास समझे पी एक्स है ठीक है ये पी वाई है और ये एस ऑर्बिटल लगा लें. ठीक है तो ये हमारे पास अगर देखा जाए
3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 कैसे, एक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल और एक दूसरा p ऑर्बिटल। हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। फर्ज के तौर पे ये अगर हमारे पास हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये हमारे पास हाइड्रोजन से और ये हमारे पास जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो sp2 दो पी ऑर्बिटल और एक s, हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके लास्ट ऑर्बिट की जो हमारे पास कहलाता है PZ ऑर्बिटल, तो क्या होता है कि ये PZ ऑर्बिटल जो कि एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का भी PZ खाली है क्योंकि दूसरा कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं और ओवरलैप करने की वजह से इनमें जो ओवरलैपिंग, आपको पता है ओवरलैपिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इस हिसाब से यहाँ पर भी ये सिग्मा और यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड है और देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितने, दो दो चार एक पांच, पांच यहाँ पर जो है वो सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं, 5 sigma bond and 1 pi bond हमारे पास ये मौजूद होता है। तो अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर में तो यहाँ ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, 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 ठीक है, ये पांचों सिग्मा है। यह आखिरी जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है ईथीन का। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।